टॉपिक का नाम है एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन एन इंडक्टर। कभी भी वर्ड एनर्जी डेंसिटी आ जाए इसका मतलब क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमने ये काम पहले भी किया है, कैपेसिटर के अंदर किया है। कैपेसिटर के अंदर हमने क्या स्टोर की थी, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। कैपेसिटर के वॉल्यूम से उसे डिवाइड किया था तो क्या आई थी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर। और कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपको याद हो तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ क्या था, कैपेसिटर। अब हम क्या निकालना चाहते हैं, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर। इंडक्टर के अंदर क्या करेंगे, इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हाफ एल आई स्क्वायर, किसी भी इंस्टेंट पर इंडक्टर के वॉल्यूम से उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, एनर्जी डेंसिटी ऑफ एन इंडक्टर। तो एनर्जी डेंसिटी का रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, छोटा यू। एनर्जी का सिंबल बड़ा यू, एनर्जी डेंसिटी छोटा यू किया था। तो कंसिडर इन एन इंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ए, लेंथ उसकी एल। अब इंडक्टर में बी का फॉर्मूला क्या होता था, बी इज म्यू नॉट एन आई, या से करंट का फॉर्मूला बी अपॉन म्यू नॉट एन टू एन। एल की डेरिवेशन हमने की हुई है सेल्फ इंडक्शन का, ये फॉर्मूला हमने किया था। हमने किए तो दो फॉर्मूले थे, ये भी किया था और ये भी किया था, कोई मर्जी यूज कर लो। चलो मैं ये यूज करता हूँ, तो अगर मैं ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करूँ तो मेरे पास ये आई का फॉर्मूला आ गया, ये एल का फॉर्मूला आ गया, एनर्जी का फॉर्मूला गया हाफ एल आई स्क्वायर। एल की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू, आई की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू। इसे स्क्वेयरिंग करेंगे, ओपन करेंगे, बी स्क्वायर होएगा, ये एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, म्यू नॉट स्क्वायर से म्यू नॉट कैंसिल, तो आपके पास ये टर्म आएगी। ये जो फॉर्मूला आया ये अभी भी एनर्जी का ही फॉर्मूला आया, लेकिन हमने क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम डिवाइड करते हैं सोलेनॉइड के वॉल्यूम से, एरिया इंटू लेंथ से। ए एल से ए एल कैंसिल। फॉर्मूला नोट करो अपने फॉर्मूला बुकलेट में कि एनर्जी डेंसिटी इन, या एनर्जी डेंसिटी से आगे ऐसे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैट्स में हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोस्टैट्स में U छोटा U, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला निकाला था, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है हाफ, जहां एप्सिलॉन नॉट है वहां पर क्या यूज करेंगे, म्यू नॉट, और जहां ई है वहां क्या यूज करेंगे, बी स्क्वायर। आंसर फॉर्मूला याद करना इजी है, हाफ का हाफ, एप्सिलॉन नॉट की जगह वन बाय म्यू नॉट, ई की जगह पी। तो ये दोनों फॉर्मूलाज अगले चैप्टर की स्टार्टिंग में काम आएंगे, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करेंगे उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ काम है, और उसमें स्पेस में एनर्जीज होती हैं, वो एनर्जीज के ये फॉर्मूलाज हम यूज करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं एनर्जी डेंसिटी के, इसे नोट करें, डेरिवेशन भी है और इंपॉर्टेंट भी है एज अ फॉर्मूला भी।